तो गाइस आज हम लोग बनाने जा रहे हैं वर्निश। तो देख सकते हैं पहले मैं एक पेंसिल की मदद से थोड़े से जगह में मैं पेंसिल को घिस लूँगा। देख सकते कि मैंने घिस लिए, आप देख सकते मेरी उंगली साफ है। अब मैं उसके ऊपर रब करूँगा तो देख सकते मेरी उंगली में एक काला काला दाग लग गया ग्रेफाइट का। तो अब उसको बचाने के लिए, समझ लीजिए वो हमारी ड्राइंग थी, अब वैसे ही उसको बचाने के लिए हमें क्या करना है, एक ऐसा बोतल ले लेना है जिसका जो छेद होता है वो बहुत मतलब पतला होना चाहिए जिसकी मदद से पानी कम निकले। उसके बाद हमें इसको खोल लेना है और इसके अंदर हमें ग्लू भर देना है। देख सकते हैं मेरे पास क्या है, मेरे पास फेविकोल है, मैं ग्लू भर दूँगा। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने भर लिया, जितना मैंने डाला है उतना ही आपको भी डालना है। उसके बाद मैं ग्लू को बंद कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, पानी लेना है और उसके बाद उसके अंदर डाल देना है, पूरा नहीं डालना, आधा बोतल ही डालना है। देख सकते हैं मैंने आधा बोतल डाल दिया। अब मैं उसको बंद करके अच्छे तरीके से मिला दूँगा। तो देख सकते हैं गाइस मैंने अच्छी तरीके से इसको शेक कर लिया है और ये अच्छी तरीके से मिल चुका है। अब क्या करेंगे हम, उसके बाद हमें जो वो कागज़ था उसको वापस लेना है। तो जो जहाँ पे मैंने घिसा था वहीं पे मेरे को उसको मैं उसको मार दूँगा। देख सकते हैं गाइस मैंने उसको उसके ऊपर मार दिया है। उसके बाद हम लोग इसको सूखने के लिए इंतज़ार करेंगे थोड़ा। देख सकते हैं गाइस अब ये सूख चुका है एकदम अच्छी तरीके से। वो पहली वाली उंगली में मेरे वो लगा था काला काला, मैं दूसरी वाली उंगली से कर सकता हूँ। देख सकते हैं गाइस मेरी उंगली में अभी कुछ नहीं लगा, एकदम सही काम कर रहा है। अब मैं आपको अपनी ड्राइंग पे भी करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस ये मेरी ड्राइंग है स्पाइडरमैन की। अब मैं इसके ऊपर वो मारूँगा, देख सकते हैं गाइस आराम आराम से मारना है, थोड़ा ऊपर से ही मारना है। देख सकते हैं गाइस मैंने अच्छी तरीके से मार दिया है। अब इसको सूखने देते हैं। थोड़े से अच्छे से मार लेता हूँ गाइस मैं। तो देख सकते हैं गाइस नहीं लगा मेरे में। अब मैं दूसरी ड्राइंग में भी आपको करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं गाइस ये मेरी दूसरी ड्राइंग है, इसके ऊपर भी मैं मार देता हूँ। देख सकते हैं गाइस मैंने भी इसके भी अच्छी तरीके से मार लिया है। अब इसको सूखने देते थोड़ी देर के लिए। तो देख सकते हैं गाइस ये सूख गया और अभी इसमें भी मेरे नहीं लगा। तो देख सकते हैं गाइस एकदम अच्छी तरह